मुंबई मध्ये मराठी पाठ्यान असलेल्या दुकानांवर कारवाई करण्यास आता सुरुवात झालेली आहे। सुप्रीम कोर्टाने मराठी पाठ्यान संदर्भात जी मुदत दिली होती ती मुदत संपली आहे। तर आता मुंबई महापालिकेकडून दुकानदारांना नोटीस देण्यासही सुरुवात झाली आहे, कारवाईलाही सुरुवात करण्यात आली आहे। आता यांच्याकडे शॉप ऍक्ट मधलं लायसन्स दाखवायला नाही आहे, त्यामुळे आपण निश्चितपणे सांगू शकत नाही। ते आम्ही लायसन्सचा नंबर इथे घेणार आहे, दुकानाचं नाव आमच्या ऑफिसला जाऊन आम्ही चेक करणार, त्याच्यानुसार तो ठरला जाईल। सर हिंदी बता दीजिए, आप यहां पे जुर्माना मार रहे हैं, क्या क्या किसने जुर्माना मारे पर विस्तार देते कौन सी दुकान? अभी देखिए, मतलब बहुत साल से चल रहा है कि मराठी में नेम बोर्ड होना चाहिए और हम लोग हमारा डे टू डे यहाँ पे विजिट रहता है। अभी तक बहुत से लोगों ने प्राइमरी हमने जो ये दिया था इन्फॉर्मेशन उनको कि मराठी में नेम बोर्ड कीजिए, तो उन्होंने किया है, कुछ लोगों ने किया नहीं, वो कोर्ट में गए, कोर्ट में से अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। लास्ट उनको 2 महीने का अल्टीमेटम दिया था, वो भी कंप्लीट हो गया 25 नवंबर को, और आज से हम लोग का एक्शन चालू हो गया है। तो यहाँ पे देखा तो सबका नेम बोर्ड है, मतलब अभी तक, लेकिन इनका अभी इधर नहीं है तो एक्शन लेना पड़ेगा। किस प्रकार का एक्शन ले रहे सर आप? एक्शन ये है कि मराठी में इनका नेम बोर्ड नहीं है। चालान सर किस प्रकार का एक्शन ले रहे सर? किस प्रकार का एक्शन ले बताइए। एक्शन ये है, एक्शन को हम तभी बता सकते हैं कि जब वो अपना लाइसेंस दिखाएगा, और लाइसेंस के पास जो उसके पास एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अगेंस्ट है वो, मैक्सिमम फाइन 1 लाख रुपीज है, लेकिन प्रोवाइडेड मतलब जैसे कि जितने उनके पास एम्प्लॉय है तो पर एम्प्लॉय 2000 अपने लायसन्स दाखवलेलं नाही, उन्होंने लायसन्स दिखाया नहीं, तो हम